आते हैं, एक समय मौका लाख है लोग जी जो हैं जी वो हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं, वहीं करीब 10 लाख लोग घर में भी हैं। तो आपकी ये बात सुनते हुए मैं एक मतलब क्या बताऊं, एक शेर याद आ रहा था, उसमें था, जानवर आदमी फरिश्ता खुदा, आदमी की है सैकड़ों किस्में, लेकिन आम आदमी किस किस्म में आता है ये पता नहीं चल रहा है अभी, क्योंकि अब तो ये स्पष्टीकरण आ गया है, लेकिन उसके बाद भी जो मुझे दिखता है वो ये है कि सांप छछूंदर वाली स्थिति हो गई है। केजरीवाल सरकार की कोर्ट ने कहा था तो सीधे सीधे स्पष्टीकरण आ चुका है, और अगर कहे कि मतलब नहीं कहा था तो ये दोनों ही केस में वो फंस रहे हैं बहुत बुरी तरह से। जो जिस तरह की ये जो ऑर्डर निकाला था उन्होंने, वो तो एक बारगी ही सबको लगता है, लेकिन वीआईपी कल्चर की जहां हम बात करते हैं वो इस देश में है, और आज से नहीं है, बरसों से है, लेकिन अभी कुछ समय पहले लोग ये सोचने लगे थे, जब लाल बत्ती हटा दी गई थी तो लोगों ने सोचा था कि क्या पता शायद वीआईपी कल्चर वाकई खत्म हो जाए, लेकिन दूसरे तरह के अब वो मोटर बाइक्स वाले आ गए हैं और अलग तरीके का सायरन आ गया है, तो वीआईपी कल्चर कहाँ खत्म होता है। और फिर जिस देश में जहां हमने सोचा था कि हमारा शीर्ष नेतृत्व आके बहुत अच्छा काम करने वाला है, तो वहां हम देखते हैं 10 लाख के सूट पहने जाते हैं, बवाड़ों की घड़ी पहनी जाती है, बुल्गारी के ग्लासेस पहने जाते हैं, सबकी कीमत हजारों लाखों में है। तो किस वीआईपी कल्चर को हम कम करने की बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं है ही। पर एक बात अच्छी थी कि पिछले पहली और दूसरी जो लहर थी उसमें आम आदमी पार्टी ने और भी दूसरे प्रदेशों की सरकारों ने अलग अलग होटल्स हायर किए थे और वहां पर लोगों को वहां रखा जाता था, ये अलग से जो उन्होंने किया, और फिर एक प्राइमस जैसा हॉस्पिटल पूरा का पूरा उसके लिए डेप्यूट हो जाता है, तो वो देख के बहुत दुख होता है, क्योंकि इसी देश में हम सब देख रहे हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिल्ली से एम्बुलेंस या कोई गाड़ी करके ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर, कोई लुधियाना जा रहा है अपने लोगों को लेकर, कोई पंजाब के किसी दूसरे शहर में जा रहा है, छोटे गांवों में जा रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं हॉस्पिटल मिल सके। ऐसे में इस लोकतंत्र में अगर ये वीआईपी कल्चर है तो ये बहुत दुख की बात है। और दूसरी चीज व्यवस्था की, जहां आप बात कर रहे थे, ये एक चीज देखने में आ रही है पिछले 7 साल 8 सालों से देखने में आ रही है कि एक तो डिविजन ऑफ लेबर नाम की जो चीज है वो बिल्कुल खत्म हो गई है। हर आदमी अपने पास केंद्रित कर लेता है सत्ता, मतलब जैसे केंद्र सरकार है, जब कहने पे आते हैं तो कहते हैं कि राज्य का मुद्दा है, लेकिन आप देखिए पिछले 1 सालों में 978 पॉलिसीज की कोविड किस तरह से मैनेज होगा ये, या 987 पॉलिसीज जो हैं वो केंद्र सरकार ने निकाली, और राज्यों ने उसके बेसिस पर 6,500 और आदेश निकाल दिए, तो कहां राज्य का विषय रह गया। 70% पैसा जरूर राज्य का खर्च होता है स्वास्थ्य सुविधाओं में, हेल्थ के ऊपर, लेकिन कहां कर रहा है केंद्र उसके ऊपर से कहीं भी अंकुश कम। तो एक तो डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, दूसरे सत्ता का भयंकर रूप से केंद्रीकरण है, तो व्यवस्था इन्हीं सब का शिकार हो रही है। पहले इस तरह से काम होते थे, वो व्यवस्था कैसे अगर ठीक होगी जब हर चीज केंद्रित करने की बात होगी।